हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई पेंटिंग लेकर के आई हूँ जो आप लोग इजी तरीके से बना सकते हैं और गिफ्ट कर सकते हैं और अपने घर को सजा भी सकते हैं। ये है लैंडस्केप। फर्स्ट सबसे पहले मैंने अपनी शीट को शीट पे चारों कॉर्नर्स पे मैंने एक टेप लगाया है। उसके बाद मैं प्लेन वाटर से अपनी शीट को पूरा गीला कर रही हूँ। मैं ये इसलिए कर रही थी कि जब इस पे हम ना कलर्स छोड़ेंगे तो वो अपने आप इस तरीके कुदरती होते हैं ना, कलर नेचर जो दिखाई देते हैं नेचर्स में, वो अपने आप मिक्सिंग जो होके आते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। देखिए अभी कैसे आएंगे, आप देखिएगा। फर्स्ट सबसे पहले येलो वाटर मिक्सिंग करनी है। इसके बाद मैंने ऑरेंज शेड लगाया। ये देखा आपने दो कलर्स कैसे मिक्सिंग हो करके आ रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं आपस में। रेड कलर हमने यहाँ पे कलर जो यूज किए हैं रेड येलो एंड ऑरेंज, इन तीनों कलर की मर्जिंग करी है हमने इस तरीके से हमने किया। ये देखिए कहीं पे भी हमें अलग अलग तीन कलर हमने यूज किए बट हमें नजर नहीं आ रहा है, हमें लग रहा है कि हमने एक ही कलर किया है कि ये येलो। ये करने से आपका जो बैकग्राउंड है वो तैयार हो रहा है हमारा। जब ये पिक्चर कंप्लीट होगी ना फिर आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। बस हमारा बैकग्राउंड पीछे का तैयार हो गया, थोड़ा सा ड्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें ड्रॉइंग ब्लॉक जो सबसे इजी है मेरे ख्याल से सभी को नॉर्मली ट्रायंगल शेप तो बनाना आता ही होगा, बस मेरी तरह बस ऐसे ही। ये तो फर्स्ट सेकंड में भी सभी करते होंगे नर्सरी केजी में। ये क्या है, ये माउंटेन है, ये हमने माउंटेन आगे बन गए हमारे। बस इसे इस तरीके से फिलिंग कर दीजिए। इसी तरीके से हम यहाँ पे नीचे साइड में भी इस तरीके से ब्लैक कलर से पेंट करना है। इसके बाद हम यहाँ पे एक ट्री ड्रॉ कर स्ट्रेट लाइन लेके थोड़ा सा ट्री का नीचे ब्रांच थोड़ा सा निकाल देते हैं, ऐसे ब्रांचेस निकाल जिधर आपका मन करे वैसे ब्रश बना लो, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है। कुछ डिफरेंट और अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा और कुछ कर देते हैं। हमारी बुशेज आ गई, उसके बाद एक ड्राई ब्रश लेंगे इस तरीके से टिप टिप डिप टिप टिप डिप कर देना। ये तो सभी कर सकते हैं।
ये हमारी पेंटिंग अब कंप्लीट होने पे आ गई है पूरी तरीके से। अब आपको दिखा ये क्या बन के निकला हमारा, देखो थोड़ा सी पेंटिंग लैंडस्केप हमने कंप्लीट कर ली। बस इसमें हम एक चीज और, ये हमने इसे बिंदी लगा दी एक रेड कलर की। ये हमारी पेंटिंग तैयार हो चुकी है। कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को ये, है ना खूबसूरत पेंटिंग। इसी तरीके से आप इतने इजी वे में आप पेंटिंग तैयार कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं और अपने घर में डेकोरेट भी कर सकते हैं वॉल को।